लोकसभा में भले ही दिल्ली में एक भी सीट इंडिया गठबंधन ने नहीं जीत पाई हो, लेकिन दिल्ली के संसद में इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां एक साथ नजर आती हैं और साथ ही एक दूसरे का समर्थन भी करती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य और अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की जंतर मंतर पर मंगलवार को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। रैली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और गिरते स्वास्थ्य को लेकर इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और संदीप पाठक मंच पर पहुंचे। मंच पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार मात्र एक साल तक ही चलेगी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ है। वही शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना उद्धव गुट का DNA और इंडिया गठबंधन का DNA एक है। गुजरात के जो दो तानाशाह हैं, वो सबसे डरपोक है। जब हमारी सरकार आएगी तो बनाएगी कि ED और CBI क्या है, यही इन दोनों शाह को भी जेल में डालेगी। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। आपका आरोप है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को जेल में मारना चाहती है। लगातार उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ है। 3 जून से 7 जून के बीच 34 बार ब्लड प्रेशर गिरा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इससे पहले भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में रैली की गई थी, उसमें भी कहा गया था कि अन्याय किया जा रहा है, भाजपा ने अपने स्वार्थ के लिए CM केजरीवाल को जेल में डाल दिया। यूपी ने इस बार भाजपा को हराकर अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताया। भाजपा को यह पता होना चाहिए कि जनता उनके खिलाफ है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैंने चुनाव से पहले एक बात कही थी कि दिल्ली के पास कोई ऐसे संगठन हैं जो समय समय पर नेताओं को परेशान करते रहते हैं, वो संगठन उन्हें न्याय नहीं मिलने देते। अगर हम सत्ता में आए तो हम ऐसे संगठनों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारे लोकतंत्र में किसी पर झूठा आरोप नहीं लग सकेगा। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इंडिया गठबंधन की एकता आज मंच पर नजर आई है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि देश के हर कोने से आ रही है। देश के हर कोने से नेता आए और अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संघर्ष में शामिल होकर इस आवाज को बुलंद किया। अब ऐसे में ये देखना है कि इस रैली का कितना असर केंद्र सरकार पर पड़ता है।